तो लास्ट टाइम जो है भैया ने मौका दिया था अमरनी को जो ये सेट था कि भी आपको मोनो डीजे लेके जाना है, पहले से आपने कितने टाइम पहले बुकिंग करी थी? सो फाइनली गाइस वेलकम है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि भाई कांवड़ यात्रा में जब भी डीजे जाते हैं तो हर किसी ने कॉम्पिटिशन जरूर देखा होगा और साथ ही में रिव्यू भी देखा होगा कि जब वो आते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कंटेंट हम ही लाए थे एंड आपके लिए फिर से एक नया कंटेंट लेके आ गए हैं। तो कंटेंट में हम लाए हैं कि जो डीजे बुक करते हैं या कौन लेके जाते हैं और करीबन कितना टाइम लग जाता है सोचने में। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं हैप्पी भैया। हैप्पी भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा तो भैया जैसे आप इस बार साउंड लेके गए थे, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो मोनू साउंड गया था वो भैया की साइड से गया था, जो हमें जो दर्शन हुए मोनू भैया के वो इन्हीं की वजह से हुए हैं। तो भैया आपके माइंड में क्या आया कि मतलब आपको मोनू साउंड लेके जाना है? ऐसा था जो इनके मोनू साउंड के जो मेन होस्ट थे उनकी कोविड में डेथ हो गई थी। जी जी जी। इसलिए हमने थोड़ा उन्हें सपोर्ट करा। अच्छा अच्छा। हाँ इसलिए हम उन्हें लेकर गए, बस उनके नसीब था या हमारा नसीब था जो इतना बढ़िया साउंड बजा। अच्छा अच्छा। जैसा मेन होस्ट होता है तो जब ही कुछ होता है जी 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 तभी हम खेल पाते हैं कि हाँ भाई इन पे खेल ले, लेकिन हमने फिर भी एक चांस उन्हें दिया। अच्छा अच्छा। लेकिन बाबा की कृपा ऐसे रही, बहुत अच्छा हमारा साउंड रहा। अच्छा, हमारा सफर भी बहुत अच्छा रहा, कांवड़ भी नंबर वन है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और साउंड भी आपको पता ही होगा नंबर वन ही है, साउंड तो हर कोई जानता है। तो ये बताएंगे कि साउंड कैसा था भैया नीचे जरूर बताना। और ट्रॉफी से आप देख सकते हैं, ट्रॉफी के पास चलते हैं, हम थोड़ा सा ट्रॉफीज दिखाते हैं। तो देखिए आप लोगों को हम बताते हैं कि जो ट्रॉफीज वगैरह है ना वो सब भैया के पास ही रखी हुई है, एक्चुअली में वो भैया के पास ही रहने वाली है। तो अगर कोई अगर किसी के माइंड में डाउट होना कि ट्रॉफीज वगैरह कहाँ है क्योंकि भैया के पास तो दिखे नहीं हमें, तो वो भैया के पास आ सकता है। एक्चुअली मैं बताता हूँ भैया का क्या काम है, तो भैया से पूछते भैया आप अपना काम बताइए क्या काम है। मेरा रेस्टोरेंट है। अच्छा सर। लाइव किचन रेस्टोरेंट के नाम से। जी जी। सोफिया स्कूल के पास। सोफिया स्कूल के पास जी, दुबई स्टोर से जस्ट आगे वाला जस्ट बराबर लाइव किचन आपका ही है। जी जी। अच्छा अच्छा। तो चलिए अब हम आपको ट्रॉफीज दिखाते हैं। तो भैया का जो काम है वो बेसिकली एक रेस्टोरेंट है जिसमें काफी अच्छा आप लोगों को मैं बताता हूँ एक इंटीरियर एक्सटीरियर बना हुआ है एंड साथ ही में आपको थोड़े सिनेमेटिक्स भी देखने को मिलेंगे एंड में। तो अभी आपको लेके चलते हैं हम ट्रॉफीज के पास जो भैया जीत के लाए हैं और बाबा की कृपा से आई है। सही बात है भैया, चलिए आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये देख सकते हैं आप, ये जितनी भी ट्रॉफीज है ना ये सब उसी साउंड और कांवड़ के द्वारा जीती गई हैं। एंड मेरे ख्याल में भैया करीबन करीबन कितनी ट्रॉफीज और आई होंगी? 100+ है। अच्छा आपने वैसे काउंट वगैरह करी या नहीं? तो करने के समय नहीं मिलता, काउंट करने का समय नहीं है, काउंट कैसे भी करेंगे क्योंकि ये तो देख के पता चल रहा है कि 100+ है। अच्छा जो ट्रॉफीज रखी हुई है ये मिनिमम कितनी होंगी? 120 मान लो, 130 मान लो। ट्रॉफीज ट्रॉफीज और शील्ड अलग है। अच्छा दोनों मिला के 120, एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि 30-40 शील्ड होंगी और बाकी की 80-70 ये सब होगा है ना। तो भाई देखो ऐसा होता है कि जब कोई जाता है तो उसका माइंड में ये रहता है कि बजट कितना सेट रहेगा। तो भैया बाबा की कृपा से आपके अंडर बजट में रहा? जी जी। कुछ आउट ऑफ बजट तो नहीं गया? ऐसा एक्चुअली में होता है कि आप कहीं सफर कर रहे हैं। एक हमारा भाई है महेश रज्जू नाम है, अब बाकी सपोर्ट करने के लिए फुल वो है। अच्छा फुल सपोर्ट करने में कोई इशू नहीं आया बाबा की कृपा? बाबा की कृपा बहुत बढ़िया तरीके से रही। अच्छा पता ऐसा होता है कि जब हमने कहीं सफर करने गए तो बीच में थोड़ा बहुत हादसा हो जाता है कि यार यहाँ लग जाएगा, वैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ? यहाँ कुछ ऐसा बस सब अच्छा रहा, ऊपर वाले की कृपा बनी रही। चलो भैया ये अच्छी बात है, देखो आप कहीं सफर करते हो तो बीच में कुछ हो जाता है मगर भैया के साथ बाबा कृपा रही और बहुत अच्छा रहा, आगे भी बन जाएगी। अच्छा आगे भी बन जाएगी। अच्छा आपके माइंड में जो ये सेट था कि आपको मोनो डीजे लेके जाना है, पहले से आपने कितने टाइम पहले बुकिंग करी थी? बुक तो हमने एक महीने पहले कर लिया था। एक महीने पहले बुकिंग? किसी को बोला नहीं था। अच्छा किसी को बोला नहीं था आपने? तो मैं बताता हूँ एक महीने पहले बुकिंग भैया ने माइंड में सेट कर लिया था कि इस बार मोनू भैया को ही मौका देना है। एक्चुअली में मोनू भैया तो है नहीं बट उन्हीं के साउंड को इन्होंने चांस दिया और क्या वो अपनी उम्मीदों पे खड़े हुए भैया? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल मजा आ गया साउंड में, बहुत मजा आया। अच्छा छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ हाँ हमने उनको देखते हुए जी, आप गए भी होंगे शायद? जी जी मैं गया हूँ, मिला हुआ मैं उनसे। बिल्कुल वो ब्लॉग भी आएगा बहुत जल्दी जो हम उनके फैमिली से जाके मिले, साथ ही में काफी अच्छा लगा उनसे मिलके भी। तो अभी हम भैया से बात करते हैं। अच्छा तो भैया जैसे मैं पूछा था कि थोड़ा बजट वगैरह का था तो कोई इशू नहीं आया? बिल्कुल सब बढ़िया रहा एकदम। अच्छा जैसे रेस्टोरेंट वगैरह आपने क्रिएट करा हुआ है जी, तो रेस्टोरेंट में आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, आप रेस्टोरेंट को बताइए मुझे। चलिए मेरे पास में फैमिली रेस्टोरेंट है। फैमिली रेस्टोरेंट है, इंडियन चाइनीज कंट्री तंदूर थाई। अच्छा अच्छा सब अवेलेबल है। तो मतलब काफी कंट्रीज के फूड आपके पास अवेलेबल है और मेरे ख्याल में जो मेरठ में रहते हैं ना भाई काफी क्लोज है, आप आओगे सीधा यहाँ से सोफिया स्कूल से जी, तो सोफिया स्कूल ऑलमोस्ट सेंटर ही पड़ जाता है मेरठ का, काफी बढ़िया। आप एक बार रेस्टोरेंट जरूर आना, एक बार विजिट करना क्योंकि ट्रॉफीज भी यहीं रखी हुई हैं और साथ में थोड़ा खाना पीना पेट पूजा भी करके जरूर जाना। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया से कि भाई नेक्स्ट टाइम भैया का क्या माइंड है? नेक्स्ट टाइम तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम तो जब ही पता लगेगा। अच्छा अच्छा कुछ नया लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा कुछ नया लाएंगे। अच्छा मेरठ में ऐसे 100 मेरे ख्याल में 60-70 साउंड है मगर आपने मोनू भैया को ही मौका दिया क्योंकि आपका माइंड में था कि इस बार मोनू भैया को देना है।
अच्छा लास्ट टाइम भी आप डीजे वगैरह लेके गए थे क्या? अमर साउंड लेके गए थे। अच्छा अमर साउंड लेके गए थे, तो इस बार आपने मोनू भैया को मौका दिया। तो लास्ट टाइम जो है भैया ने मौका दिया था अमर ही को, और इस बार मौका दिया मोनू भैया साउंड को, तो काफी अच्छा लगा। देखो यही भैया है जिनकी वजह से हमें मोनू भैया के दर्शन हो पाए, एंड साथ ही में पीछे भैया के भाई खड़े हुए हैं, तो देखो इनका भी काफी सपोर्ट रहा है, एंड भैया के हाथ में चोट भी लग गई है। एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ, सच में जो भैया के है ना, अभी यहाँ पे चोट लगी हुई भैया अगे, एक्चुअली में पीठ में भैया के चोट लग गई क्योंकि ये साउंड से गिर गए। नहीं नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है चोट वगैरह, मगर ज्यादा नहीं है ना भैया, कोई इशू नहीं है। चलिए भैया बढ़िया। तो देखिए आज के कंटेंट में आप लोगों को भाई एक नई चीज देखने के लिए मिली है, और मजा आया हो ना, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये हैप्पी भैया है जिनका रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट के कुछ सिनेमेटिक आप एंजॉय कीजिए, कैसा लगा आपको मेरे को जरूर बताइएगा, और एक बार रेस्टोरेंट पर जरूर विजिट कीजिएगा जो भी मेरे दोस्त हैं। सो थैंक यू। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना, सूरज की किरण आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना, देखो सावन आए रे मन हंसा।